लगता है आप लोग कुछ परेशानी भी दिख रहे हैं। बताइए क्या समस्या है आपको। पंडित जी, हमारी एक पुत्री है जिसका सावित्री नाम है, वो एक जावेद नाम के मुस्लिम युवक के प्रेम जाल में फंस गई है और उससे विवाह करना चाहती है। हम लोगों ने उसे समझाया तो आत्महत्या करने का बोलती है। अब आपके पास इसलिए आए हैं कि आप कोई रास्ता बताएं। आप एक काम कीजिए, आज तो बुधवार है, आप उन दोनों को परसों ले आइए, फिर देखते हैं कुछ हल। माशा कौन है जो झुकना ही नहीं जानते? ये जावेद है। अच्छा, ये है जावेद? जी हाँ, मैं ही हूँ जावेद। आपको अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। इन तीनों ने मेरे चरण स्पर्श किए और आपने नहीं, क्यों? मैं सिर्फ खुदा के आगे झुकता हूँ। अच्छा, तो एक काम करें, मंदिर में जितनी प्रतिमाएं लगी है जाकर उनका चरण छुए और मेरे पास आए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जावेद, तुम इससे शादी करना चाहती हो जो तुम्हारे कहने से नहीं रुका और तुम्हारे माँ बाप का मान सम्मान नहीं कर सका, वो तुम्हारा क्या सम्मान करेगा? उसके लिए तुम अपने माता पिता को छोड़ दोगी जिन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। जब तुम इससे शादी करोगी तो तुम्हें ये सब तो करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करके मांस का सेवन, बुरका पहनना और 10-12 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। वो कर सकती हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, तो अपने भाई के बेटे की शादी अपनी बेटी से कर सकती हो? वैसे कहां से उसको आ रहा? हिंदू की लड़की पटाने के लिए। आखिर लव जिहाद की हकीकत क्या है? इसके लिए हमने आंखें खोल देने वाली पड़ताल की है। लव जिहाद पर हमने पूरे देश में पड़ताल की। हमारे रिपोर्टर राहुल सिन्हा ने यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्टिगेशन किया ताकि लव जिहाद की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंच सके। लव जिहाद की पड़ताल के लिए सबसे पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे जहां लव जिहाद के बाद दंगे तक हुए। हमारी इस पड़ताल में कई चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आई। सबसे पहले एक ऐसी लड़की की सच्चाई देखी जो सिर्फ 9वीं क्लास में पढ़ती थी जब वो लव जिहाद की शिकार थी। अरे मम्मी टीवी बंद कर, मेरे कॉलेज जाना है कि नहीं तन्नू? पागल नहीं सुधरेगा यार। भाई कुड़िये, तो रोज की तरह आज ही बहुत सुंदर दिख रही है। नाम तो पता है। अच्छा, तू बड़ा गौर से देखता है जैसे। अब यह नाम क्यों जानना तुझे? आज तक नाम तक पता नहीं कर पाया। अच्छा, तू बड़ा सीधा है जैसे। तेजल, इतनी मेहनत ना कर, मम्मी नाम है मेरा। मम्मी? तो जैसे तेरा चंगा नाम है, तेरी तरह तेरा नाम भी बहुत सुंदर है। अच्छा, मम्मी पापा ने नाम रखा है। और अब तू एक काम कर, नाम से ही प्यार कर ले। मैं चली। ओए ऐसा मत कर, मैं तो मैं क्यों कर रही हूँ सरदार जी,
तो चल के कहीं बैठे। कहाँ? कॉलेज में ही कहीं। चलो मम्मी एक बात पूछूं। पूछो। सच सच बताओ। दम सच। पक्का? तुम भी मुझे चुरी चुरी देखी थी ना। आपको देखने का टैक्स लगता है क्या सरदार जी? हाँ देखती थी तो। तुम भी ना। वाहेगुरु दीसु। रुको तो। अच्छा जी, तो तुम्हें नाम भी पता है और क्या क्या पता है मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ, और बस अपने बारे में इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे जाओ जाओ, जाना पहचान, मैं तेरा मेहमान। बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। पायल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। काफी टाइम से देख रही हूँ तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, क्या बात करनी है? पायल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। पायल। अच्छा तो ये बात है, दोस्ती या कुछ और? नहीं नहीं पायल, मेरा मतलब सिर्फ दोस्ती से है और कुछ भी नहीं। चलें कैंटीन? तो चलो फिर। शादी करा दीजिए।
पायल, क्या हुआ पायल? आज तो हमारी शादी की सुहागरात है, क्या हुआ यार? क्या ये करना जरूरी था? हाँ पायल, ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पायल, और पूरे तरीके से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं भी तो तुमसे शादी करके खुश हूँ ना, लेकिन मम्मी और पापा का क्या? अरे मेरी जान, मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगा और मैं उन्हें मना दूंगा, तुम टेंशन मत लो। देख बिल्कुल क्लियर वीडियो बनाए। अरे थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे, बस 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 बस। अरे भाभी लग रही ना आप चेक। अरे बिल्कुल। अल्लाहु अकबर। मजाक नहीं कर रहे हैं, हमारा नाम परवेज है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हमारी बात समझिए। मैं मानती हूँ तुम प्यार करते हो, पर ये क्या कर रहे हो? एक सरदार ये कैसे कर सकता है? मम्मी हमारा नाम मंजीत नहीं है, हमारा नाम परवेज है, हम आपको बता चुके हैं, आप उस बात को समझें। परवेज परवेज क्या लगा रखा है मंजीत? मम्मी आप बैठो, हम आपको बताते हैं, आप बैठो। बोलो क्या कहना चाहते हो? आप हमारे बारे में सब कुछ जान ही चुके हैं, हमने जो भी किया अपने मजहब के लिए किया है। मजहब? और हाँ, अब तुम हमारी बेगम हो और तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना ही होगा। मैं सरदार हूँ और मैं कोई इस्लाम कबूल करने वाली नहीं हूँ। तुम्हें अपने भाई की जिंदगी की खातिर इस्लाम कबूल करना होगा। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं करा तो तुम्हारा MMS पूरी दुनिया देखेगी। ओके बॉस, तुमने मेरा MMS बनाया? मेरे पास और भी बहुत कुछ है। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं ये इस्लाम कबूल करने वाली नहीं हूँ और मैं अपने भाई के घर वापस जा रही हूँ। अपने भाई की जिंदगी की खातिर तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही होगा। नहीं करूंगी। और हाँ, शाम को तैयार रहना, मौलवी साहब के घर दावत पे जाना है। क्या बात है मियां, आज तो बड़े जम रहे हो।
मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ पायल। कैसा सच? मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ, और मेरा नाम आशीर्वाद नहीं नावेद है। अच्छा, मेरा नाम भी पायल नहीं नाजिया है। नाजिया, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ पायल, और मैं सच कह रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। पठानी सूट पहने सुबह आशीर्वाद से नावेद बन जाता है क्या? मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं अभी अभी नमाज पढ़कर आ रहा हूँ, और मौलवी साहब के घर शाम को दावत रखी गई है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी। तुम चलोगी? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। उनका नाम मत लो, अगर तुमने उनका नाम लिया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, और तुम्हें भी शाम को मेरे साथ दावत में चलना है, तैयार रहना। ये क्या पहना है तुमने? सुमन, मैं तुमसे आज एक सच बात कहना चाहता हूँ। कैसा सच अंकित? मैं कोई अंकित वंकित नहीं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या फालतू बातें लगा के रखी है तुमने? मेरा नाम इमरान है। क्या? और तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम कब से ये? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। और हाँ, शाम को मौलवी साहब के दावत पर जाना है, तैयार हो जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुमन, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो देखा, अल्लाह मियां का रहम है कि आप इस काम को बखूबी अंजाम दें। इस काम के लिए आप पैसा और रहने की जगह सब मुहैया कराई जाएगी। आप हमारी कौम के लिए लव जिहाद को छेड़े और हमारी आगे आमीन। सुम्मा अरे नावेद, इमरान अल्लाह का रहमो करम रहा अपने पे। तो अपने मकसद में अपन कामयाब हो गए, आज तो हाजी साहब के पास चलना है अपने को। और नावेद, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। अरे इमरान, तू तो कुछ बता। अरे कहानियाँ वानियाँ तो चलती रहेगी, मौलवी साहब के नहीं चलना है क्या? हाँ यार, अपन अब अपनी इनाम की बारी है। अब बनती है, पर यार ये तो सट्टी रह गया यार। जो जान हमने छोड़ी है, इंशाअल्लाह वो
मैं नजमा बोल रही हूँ। क्या क्या तुम मेरे घर थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? बस मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। प्लीज़ तुम मेरे लिए जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ। कि ये भी इस्लाम कबूल कर ले, वरना दोनों मारी जाओगी। भूल कर भी कोशिश मत करना, वरना तुम लोगों के माँ बाप को भी मार दूंगा मैं। नहीं नहीं, हमें मत मारना, हमारे माँ बाप को मत मारना। आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ये मारेगा हमें और हमारे घर वालों को। कैसे आई तुम यहाँ पे? मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किसने बोला तुम्हें यहाँ आने का? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे गलती हो गई? हैं? जानबूझ के हुई है गलती। जाओ तुम, बाहर जाओ, जाओ यहाँ से। मदद करेंगे, पुलिस के पास जाएगी।
और उनको सब कुछ बताएंगे, तो चलेगी ना मेरे साथ? हम चलेंगे, सब ठीक कर देंगे। तू मत रो, तू शांत हो जा, शांत हो जा, हम चल रहे हैं पुलिस के पास। नमस्कार, बोलिए। क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है? हाँ, ये आपसे सर फायर करवाने का। क्या हुआ है? कौन है बेटा? ये मेरे आप हैं बेटी। क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है उसका? उसके बाद तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी थी? शादी के बाद उसने मुझे बंदी बना के रखा सर, और मुझे सर पहरेदारी में रखते थे, और कहीं भी जाना है सर तो साथ में रहते थे, और धमकी में मेरे भाई को मार देंगे, और इसलिए सर मैं बोल नहीं पाई। पूरी बात बताओ शुरू से आखिर तक। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक सरदार बनकर उस आदमी ने मुझे प्यार का नाटक किया सर, मुझे बहलाया फुसलाया और घर से भागने के लिए मुझे मना लिया सर। मैं घर से भाग गई भाई को छोड़कर। उसके बाद कई दिनों बाद मुझे पता चला कि वो जो है मुसलमान है सर, और उन लोगों ने मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत फोर्स किया। जब मैं नहीं मानी तो मुझे घर में बंद कर लिया और भाई को मारने की धमकी दी सर। और उसके बाद जब मैंने बहुत दिनों तक सहा, फिर अचानक मेरी ये फ्रेंड है सर पायल। पायल नाम है जी। ये एक ब्राह्मण घर से है सर, पर इसको भी एक मुसलमान लड़के ने ब्राह्मण बन के फसाया सर, शादी करा उससे और उसने इस्लाम कबूल करवाया, पर अभी तक इसने किया नहीं है सर। फिर जब इसमें साथ हुआ तो मुझसे ला नहीं गया और सर मुझसे मेरे मैंने पति को मार दिया सर। क्या कर दिया सर? मैंने मार दिया सर। मार दिया सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। गलती से चकले पे पहुंच गया था सर, वहाँ पे एक लड़की सर, उसे किसी ने फ्रॉड करके भेज दिया सर, वो हेल्प मांग रही थी सर, तो वो छुड़ाना सर, मैं इसीलिए आपको मदद चाहिए सर। दो मिनट में साफ बात करते हैं। वो गाड़ी निकालो जल्दी, उस लड़के को लेके आओ जल्दी। हाँ, चल रहा हूँ। देखो आप रिलैक्स हो जाओ, तुम ये बताओ कि तुम वहां कैसे पहुंचे? सर, सर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था सर, सर मैं एक हिंदू लड़की हूँ सर, सर सर उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के सर, सर उसने मुझसे शादी कर ली, और उसने मुझे नहीं बताया कि वो हिंदू नहीं है, और सर उसने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया था सर। और सर सर वो सर डरो डरो नहीं, डरो नहीं, बताओ बताओ सर। वो उसने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था सर इस्लाम कबूल करने पे, और मैंने नहीं माना तो सर उसने मुझे चकले पे जाके बेच दिया सर। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, ये इनमें से किसी को देखा? और इनमें से इधर देखो, ध्यान से देखा है, इनमें से किसी को देखा? हाँ, मैंने इसको देखा है सर। इसको देखा? जी जी, उन लोगों ने सब होने के बाद वो एक दावत रखी थी सर, और फिर मैंने उसको वहाँ देखा था एक लड़के के साथ सर। अच्छा, और देख के बताओ, ये इनमें से किसी को देखा है? ध्यान से देखना है। और इनमें किसी को? ये इनमें? हाँ,
इसको भी देखा, और देखो और इनमें से किसी को देखा, ठीक से ध्यान से देखना है। लव जिहाद के बारे में सरकार को कुछ तो करना चाहिए। अब हमारे साथ जो हुआ वो अब हम किसी के साथ नहीं होने देंगे।